हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स बाय राधिका। वैलेंटाइन स्पेशल रेसिपी में आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी पुडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिया है मैंने बिस्किट्स, आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। इन्हें क्रश करके बाजू में रखना है। यहाँ पे एक सॉस पैन में लेंगे 2 कप दूध, करीबन ये 1/2 लीटर दूध है। इसमें से थोड़ा दूध मैंने बचा के रखा है। उसमें लेंगे 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड या स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी आप ले सकते हैं, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब हमें इस दूध में डालनी है चीनी, 3 बड़े चम्मच जितनी चीनी और कस्टर्ड वाला दूध, और हमें इसे चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस आपको थोड़ा सा वनीला इसेंस या स्ट्रॉबेरी इसेंस को ऐड करना है। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये एक तरफ पक चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे ग्लास में मैंने जेली सेट कर ली है। रेडी जेली का पैक आता है, उसे आप इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बनाएं, और आप चाहे उस ग्लास में उसे सेट कर लें। अब इस पर डालेंगे बिस्किट क्रम का लेयर। ये पुडिंग काफ़ी आसान है, झट से बन जाता है। अब इस पे डालेंगे बनाया हुआ कस्टर्ड। इस तरह से अच्छे से हमें इसे फैला देना है। कस्टर्ड के ऊपर डालेंगे कटी हुई स्ट्रॉबेरीज। आप स्ट्रॉबेरीज के साथ थोड़ा सा क्रश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से अब इस पे और एक लेयर जाएगा बिस्किट का। बिस्किट के बजाय आप यहाँ केक का भी लेयरिंग कर सकते हैं। स्पॉन्ज केक जो रहता है आइडियली वो पड़ता है इसमें, लेकिन हम उसके बजाय बिस्किट इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमें इसकी लेयरिंग करनी है, जितना आपका बॉल या ग्लास हो इस तरह से, और ऊपर स्ट्रॉबेरी से इसे सजाना है इस तरह से। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, काफ़ी टेस्टी बनती है, काफ़ी बढ़िया बनी है ये पुडिंग। इसे हम फ्रिज में सेट करेंगे। देखिए इसके लेयर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप भी ज़रूर बना के देखिए।